CSC ID से हम NPS को रजिस्ट्रेशन करके हम दिखाएंगे। सबसे पहले सर्च बटन पे आप सभी को सर्च कर लेना है, NPS करके सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम करके आ जाएगा NPS करके, और इसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, और NSDL को आप सभी को सिलेक्ट कर लेना है, और हेल्प बाय DM को सिलेक्ट कर लेना है। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी DM होगा, DM का नाम सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पैन कार्ड नंबर को एंटर कर देना है, कस्टमर का एंटर कर देने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद पैन कार्ड को, और इसमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है, और इसमें डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर को सिलेक्ट करने के बाद ई आर्डर को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। इसमें हम कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस तरह से बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, और इसमें एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डिजी लॉकर से आप लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और यूज़र नेम से लॉगिन कर सकते हैं, और इसमें 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन नंबर को दे के आप साइन अप कर सकते हैं। और इसमें हमने इस तरह से यूज़र आईडी वगैरह बना के ओके पे क्लिक कर लिया है, और सबसे पहले इसमें बॉक्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, इसको ऑल सिलेक्ट पे क्लिक करके इसमें अलाउ पे क्लिक कर लेना है। अलाउ पे हमने क्लिक कर लिया है, और इस तरह से पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जो भी आधार कार्ड में होगा, और इसमें कंटिन्यू प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल को सेव करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है दोबारा से, और इसमें सारी की सारी इसमें इस तरह से चेक कर लेना है, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद पूरा डिटेल इस तरह से चेक कर ले सकते हैं आप सभी। जो भी डिटेल वगैरह मिस्टेक वगैरह हो जाता है, यहाँ पे एडिट करना है तो एडिट वगैरह कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, और फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है इस तरह से। और इसमें जो भी आपका कस्टमर इन्वेस्ट करना है वो कितना इन्वेस्ट करेगा इसका हिसाब से यहाँ पे डाल के इसमें कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। इसमें हम कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे 500 को एंटर करके, और इसमें 500 का हम पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कॉन्फर्म रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर लेंगे, और इसमें फिजिकल कार्ड इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे NPS का कॉन्फर्म पे हम क्लिक कर लेंगे, और आप सभी इसमें देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल कार्ड वगैरह डिलीवरी हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल जाएगा। और इसमें कैप्चर को इस तरह से फिलअप करके यहाँ पे इस तरह से OTP को सेंड करने के बाद ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इसमें ईमेल आईडी पे OTP चला आएगा, और इसमें रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, और इस तरह से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP आ जाएगा। आने के बाद इसमें कैप्चर को फिलअप कर लेना है, और इसमें वेरीफाइड OTP पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमने इस तरह से वेरीफाइड OTP पे क्लिक कर लिया, और इस तरह से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, इसमें सेंट इसमें क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद इस तरह से CSC ID होगा, पासवर्ड होगा, देने के बाद वैलिडेट पे क्लिक कर लेना है, और इसमें पेमेंट कर देना है, वॉलेट पिन का डाल के इसमें पे कर लेना है। और इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसमें क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा NPS करके, नेशनल पेमेंट सिस्टम। आप सभी इस तरह से NPS को रजिस्ट्रेशन वगैरह करके कस्टमर को इस तरह से प्रिंट वगैरह निकाल के दे सकते हैं। PDF वगैरह भी आप डाउनलोड करना है तो डाउनलोड वगैरह करके इस तरह से बेनिफिशियरी कस्टमर वगैरह को दे सकते हैं, और इस तरह से रिसिप्ट कॉपी वगैरह इसमें प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। और हमने इस तरह से CSC ID से हमने NPS को रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है। चैनल को ज़रूर आप सभी को सब्सक्राइब करके रखना है।